बजे यहाँ से शाम को गए हैं बुरे वाला, तो आज जब वहाँ से वापस तकरीबन 6 बजे वापस आए हैं, तो जैसे ही लॉक खोले हैं तो पता चला है कि ये नुकसान हो गया, चोरी हुई है। तो हमने फौरन 15 पे कॉल की है, तो उन्होंने कहा कि हम ना आपका रास्ता करवा देते हैं मुतलका थाने में। तो तकरीबन 20 मिनट के बाद 15 पे दोबारा कॉल की है, तो वो कह रहे हैं कि अभी तक आपका रास्ता हमने कहा नहीं हुआ। तो कम अज़ कम ना आधे घंटे के बाद फ़ोन आया उनका, और हमें कहा गया कि हम रिजाना में मतलब के काम है तो वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। मैंने उन्हें कहा कि सर हमने कुछ किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, सारी चीज़ें वैसे ही पड़ी हैं, आप एक दफ़ा आकर चेक कर लें ताकि हम अपना भी मुकम्मल देख लें कि नुकसान क्या हुआ है। तो उसने कहा कि थोड़ी देर बाद कहते हैं कुछ करते हैं। उसके फिर थोड़ी देर के बाद तकरीबन 20-25 मिनट के बाद कॉल आती है कि आप कहाँ पर हैं। तकरीबन इस काम में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए थे हमें, तो आए हैं। उन्होंने सिर्फ देखा है कि ये पीछे पिछले प्लाट में जाके देखा कि निशान लगे हुए हैं, और सरसी जिस नज़र मारी है और चले गए। उनको पीछे से कॉल आ रही थी कहीं और उन्होंने जाना था, तो अब हमें कोई मतलब उन्होंने प्रॉपर चेक नहीं किया, बस हमें जाते हुए बता गए हैं कि फिंगरप्रिंट का जो मुतलका है ना उनको बुला लें। अब उनको फ़ोन किया तो कहते कि हमने आगे किए कॉल तो आ रहे हैं, अब हमें नहीं पता कि वो कितनी देर में आएंगे। तो हमारा सामान वैसे ही पड़ा, अभी तक हमें कोई पता नहीं है कि हमारा टोटल कितना नुकसान हुआ है, लेकिन कम अज़ कम हमारा तकरीबन 50 से 60 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उसमें कितनी नकदी थी, कितना सोना था, क्या चीज़ें? तकरीबन 20 तोले सोना था और 6 लाख नकद कैश था। वो 5 लाख नीचे से चोरी किया है और 20 तोले सोना और 1 लाख ऊपर से कैश था, वो सारा उधर से गया है।